नमस्कार, मैं प्रिया धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी सांसद राहुल गांधी को तलब किया है। 8 जून को उनसे पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा राहुल गांधी को 2 जून को बुलाया गया है, लेकिन उन्होंने पेश होने के लिए वक्त दिए जाने की मांग की है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी विदेश में है और उन्होंने पेशी के लिए दूसरी तारीख देने की मांग कर दी है। कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हम झुकेंगे नहीं और सामना करेंगे। मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला अपने गानों की खास स्टाइल के लिए जाने जाते थे। हालांकि उनके ज्यादातर पंजाबी गानों में गन कल्चर का खासा जिक्र रहता था। महान पंजाबी सिंगर गुरदास मान के अनुसार सिद्धू मूसेवाला के माता पिता उन्हें गन कल्चर पर गाने नहीं लिखने के लिए कहते थे। सिद्धू मूसेवाला की रविवार को जान ले ली गई थी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में आजम खान से बुधवार को मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 2 घंटे से अधिक समय तक बातचीत हुई। 2 साल से अधिक समय तक जेल में बिताने के बाद बाहर निकले आजम खान से अखिलेश यादव की यह पहली मुलाकात है। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने आजम से मिलकर उनके स्वास्थ्य संबंधी तकलीफों के साथ ही दिल के दर्द को सहलाने की कोशिश की। इस बार राज्यसभा चुनाव आम चुनाव से कम दिलचस्प नहीं लग रहे हैं। राज्यसभा की 57 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए सभी पार्टियां अपना पूरा जोर लगा रही है। वहीं उम्मीदवारों के चयन में कूटनीति के साथ ही पार्टी के अंदर के मतभेद भी सामने आ रहे हैं। भाजपा ने 4 राज्यों के लिए चुनाव प्रभारियों की घोषणा कर दी है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को राजस्थान की जिम्मेदारी दी गई है। हरियाणा का जिम्मा गजेंद्र सिंह शेखावत, कर्नाटक का जी किशन रेड्डी और अश्विनी वैष्णव को महाराष्ट्र का प्रभारी नियुक्त किया गया है। बिहार में जातीय जनगणना कराने को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों की बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई और मुख्यमंत्री सचिवालय के संवाद में शाम 4 बजे से होने वाली इस बैठक में विधानसभा में सभी नेताओं को आमंत्रित किया गया था। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने नेताओं को पत्र लिखकर बैठक में शामिल होने का आग्रह किया था। वहीं देश भर के शिक्षा मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन गुजरात में 1-2 जून को होगा, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने की दृष्टि से काम किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मंगलवार को कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए जल्द ही कानून लाया जाएगा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने जनसंख्या नियंत्रण पर एक कानून के बारे में पूछे जाने पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि जल्द ही इसे लाया जाएगा, चिंता मत करो। जब इस तरह के मजबूत और बड़े फैसले लिए गए हैं तो बाकी भी लिए जाएंगे। न्यूयॉर्क से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाले भारतीय यात्रियों को रविवार को 48 घंटे से अधिक समय तक फंसे रहने को मजबूर होना पड़ा। दरअसल एक मेडिकल इमरजेंसी के चलते अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे पर उतारा गया। एयरलाइन के एक अधिकारी ने कहा है कि अमेरिकन एयरलाइंस की उड़ान 292 जो कि 29 मई को न्यूयॉर्क से रवाना हुई थी, उसे देर रात एक भारतीय यात्री के बीमार होने के बाद लंदन की तरफ मोड़ दिया गया। मॉनसून के इंतजार में बैठे देश को जल्दी खुशखबरी मिल सकती है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगे बढ़ने को लेकर के कई हिस्सों में स्थिति अनुकूल बनी हुई है। खबर है कि पूर्वोत्तर राज्यों में भी आज से बारिश की गतिविधियों में इजाफा होने के आसार हैं। विभाग पहले ही बता चुका है कि इस बार मॉनसून में अधिक बारिश होने की उम्मीद है। सरकार ने उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कानून लाने पर विचार छोड़ दिया है। वजह यह है कि यदि सरकार कानून लाती है तो सुप्रीम कोर्ट उसे तुरंत निरस्त कर देगा। इससे जहां सरकार की किरकिरी होगी, वहीं जनता में उसकी छवि खराब होगी कि सरकार न्यायपालिका को नियंत्रित करना चाहती है। कोरोना वायरस महामारी की मार बड़े सियासी दलों पर भी पड़ती नजर आ रही है। खबर है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को मिलने वाले चंदे में 45% तक की गिरावट दर्ज की गई है। आंकड़ों के लिहाज से साल 2020-21 में कांग्रेस पार्टी को ज्यादा नुकसान हुआ है। हाल ही में खबर आई थी कि पार्टी पैसा जुटाने के लिए घर घर जाकर दान मांगने की तैयारी कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन आगामी 9 जून तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में है। इस बीच एक बार फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा है कि सत्येंद्र जैन देशभक्त आदमी है, उनको गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय जांच कराना चाहती है तो करा ले। इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले अपने अंतिम 11 खिलाड़ियों की घोषणा कर दी है। 2 जून से शुरू हो रहे ये सीरीज बेन स्टोक्स के लिए कप्तान के तौर पर और ब्रेडन मैकुलम कोच के तौर पर अपनी शुरुआत करने जा रहे हैं। डरहम के तेज गेंदबाज मैथ्यू पार्ट्स न्यूजीलैंड के खिलाफ डेब्यू करने जा रहे हैं। अंतिम 11 में उन्हें पहली बार मौका मिला है। 23 साल का ये गेंदबाज इंग्लैंड की तरफ से एक टेस्ट खेलने वाले 70वें खिलाड़ी होंगे। घरेलू वाहन निर्माण करने वाली कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा XUV 300 SUV को इलेक्ट्रिक अवतार में लॉन्च करने की तैयारी हो रही है। कंपनी ने ऐलान किया है कि XUV 300 SUV इलेक्ट्रिक कार भारतीय बाजार में अगले साल वित्त वर्ष के पहले तिमाही में आ जाएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, महिंद्रा XUV 300 SUV को आज भी इंडियन मार्केट में काफी ज्यादा पसंद किया जाता है।
रानी चैटर्जी भोजपुरी सिनेमा की फेमस एक्ट्रेस में से एक है। हाल ही में उन्होंने इंडस्ट्री में काम मिलने को लेकर के बड़ी बात कही है। उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री पर आरोप लगाया है कि यहां टैलेंट नहीं बल्कि चमचागिरी करने वालों को काम मिलता है। उन्होंने इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया जिसमें उन्होंने अपने दिल की बात लिखी है। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में टीकाकरण को बढ़ाने और लाभार्थियों के बीच में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर घर दस्तक अभियान 2.0 नामक एक अभियान चलाया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने इसकी सूचना दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को हरी झंडी दिखाकर इस अभियान की शुरुआत की। आयकर विभाग ने देश भर के शराब कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई की है। आयकर विभाग ने शराब कारोबारियों के 400 ठिकानों पर छापेमारी की। एजेंसी के सूत्रों ने बताया है कि आयकर विभाग ने बुधवार को देश भर में शराब कारोबारी समेत विभिन्न समूहों के करीब 400 स्थानों पर तलाशी अभियान शुरू की है। मलयालम अभिनेता और निर्माता विजय बाबू बुधवार को दुबई से कोची पहुंचे। उस पर एक महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। केरल हाईकोर्ट ने उन्हें मंगलवार को अग्रिम जमानत दे दी थी। विजय बाबू ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर कहा कि मुझे कोर्ट पर पूरा भरोसा है, मैं पुलिस का पूरा सहयोग करूंगा, सच सामने आएगा। किचन में इस्तेमाल होने वाले गैस सिलेंडर की कीमतों में लगातार बढ़ते दाम के बीच अब ग्राहक को राहत दी गई है। सरकारी तेल और गैस कंपनियों ने सिलेंडर की कीमत में 135 रुपए की राहत दे दी है। गैस की इस नई कीमत को 1 जून यानी कि बुधवार से लागू कर दिया गया है और 19 किलो वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 135 रुपए प्रति सिलेंडर की कमी आई है। दिल्ली में अब इसकी कीमत 2219 रुपए, कोलकाता में 2322 रुपए, मुंबई में 2171.50 रुपए और चेन्नई में 2373 रुपए होंगी। दुनिया भर में हो रहे तकनीकी विकास के बल पर दावे किए जा रहे हैं कि भविष्य में बड़े युद्ध रोबोट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन आदि के दम पर लड़े जाएंगे। यही नहीं, आतंक से मुकाबले में भी यही तकनीक विकास हमारे काम आएगा। खासतौर पर ड्रोन को इसी नजरिए से देखा जा रहा है। इधर देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय भारत ड्रोन महोत्सव 2022 में ड्रोन तकनीक के कई और पहलू नजर आए हैं। देश में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 2745 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि इस दौरान 2236 लोग रिकवर भी हुए हैं। इसके अलावा 6 लोगों की जान चली गई है। बता दें कि कल यानी मंगलवार को कोरोना के 2338 मामले सामने आए थे। कल के मुकाबले आज कोविड के मामलों में 407 का इजाफा हुआ है। मशहूर सिंगर कृष्ण कुमार कुन्नथ के को मंगलवार रात कोलकाता में उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद न्यू मार्केट थाने में अप्राकृतिक मौत का एक मामला दर्ज किया गया है। परिवार की सहमति मिलने के बाद पूछताछ और पोस्टमार्टम किया जाएगा। पोस्टमार्टम की व्यवस्था कोलकाता के SSKM अस्पताल में की जा रही है। के का परिवार भी बुधवार सुबह कोलकाता पहुंच गया है। गैर स्थानिक देश में मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार सक्रिय हो गई है। सरकार ने मंगलवार को एक दिशा निर्देश जारी किया है जिसमें निगरानी, तेजी से पहचान और आइसोलेशन पर जोर दिया गया। हालांकि भारत में अभी मंकी पॉक्स का कोई मामला सामने नहीं आया है। गैर स्थानिक से मतलब ऐसे देशों से है जहां ये बीमारी पैदा नहीं हुई है बल्कि बाहर से आई है। इसमें अमेरिका और यूरोप के कई देश शामिल है। IMD ने बताया है कि चक्रवात आसानी के कारण पूर्वी तट पर प्रचुर मात्रा में बारिश हुई है और दक्षिण में प्री मॉनसून की बारिश भी हुई है। मई में पूर्व, उत्तर पूर्व और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में अधिक बारिश हुई है जबकि मई में उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में कम बारिश हुई थी। चक्रवात के कारण अधिकांश बारिश महीने के दूसरे और तीसरे सप्ताह में हुई थी। भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम श्रावण मास में महाराष्ट्र के ज्योतिर्लिंग शिरडी शनि मंदिर के अलावा एलोरा गुफा और आसपास के पर्यटन स्थलों के दर्शन कराएगा। ये यात्रा फ्लाइट से होगी। 7 अगस्त को तीर्थयात्री रायपुर से उड़ान भरेंगे। इस पैकेज का लाभ केवल 10 लोगों को ही मिलेगा। इसके लिए प्रति व्यक्ति 30,250 रुपए किराया तय किया गया है। इसमें हवाई यात्रा के साथ ही 3-स्टार होटल में ठहरने की व्यवस्था के साथ ही भोजन और AC वाहन में सैर सपाटे की सुविधा भी शामिल होगी। चीन भारत के साथ लगातार संवाद कर रहा है लेकिन कई दौर की वार्ताओं के बावजूद पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर वो मई 2020 से पहले की स्थिति बहाल करने को लेकर राजी नहीं हो रहा। मंगलवार को दोनों देश के विदेश मंत्रालयों के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए स्थापित व्यवस्था की बैठक हुई। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए स्कूली शिक्षा में सुधार के जो सपने देखे गए हैं उन्हें नीति के लागू होने के साथ ही जमीन पर परखा भी जाएगा। ये परख प्रत्येक स्तरों पर एक निश्चित अंतराल पर होगी। साथ ही जिस स्तर पर जैसी जरूरत समझी जाएगी उसे और मजबूत भी किया जाएगा। फिलहाल इस पूरे आकलन का आधार हाल ही में आई नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 की रिपोर्ट होगी जिसमें अभी भी बच्चे गणित और विज्ञान जैसे विषयों में औसत रूप से कमजोर पाए गए हैं। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के खरीफ सीजन वाले फसलों की खेती के लिए अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने की सलाह दे दी है। उन्नत बीज, फर्टिलाइजर और कीटनाशकों की उपलब्धता की जानकारी भी मांगी गई है। खरीफ सीजन 2022 के लिए कुल 16.32 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसमें धान के उत्पादन का लक्ष्य 11.2 करोड़ टन तय किया गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक चालू सीजन में मानसून की बारिश सामान्य रहेगी, इससे अच्छी खेती का अनुमान है।
राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व सीएम राबड़ी देवी बुधवार को अपनी शादी की 49वीं सालगिरह मना रहे हैं। राजद सुप्रीमो की शादी 1 जून 1973 को हुई थी। उस वक्त लालू यादव की उम्र 25 साल और राबड़ी देवी की 14 साल की थी। दोनों की शादी अरेंज मैरिज थी। आज सालगिरह के मौके पर लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के लिए बधाइयों का तांता लग गया। इंडिया गेट पर भव्य छत्र के नीचे स्थापित की जाने वाली सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज तराशेंगे। जनवरी 2022 में बोस की 125वीं जयंती से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि इंडिया गेट पर ग्रेनाइट से बनी बोस की एक भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। पीएम मोदी ने कहा था कि ऐसे समय में जब पूरा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा है, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इंडिया गेट पर ग्रेनाइट से बनी उनकी भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ये उनके प्रति भारत की ऋणी का प्रतीक होगा। मंगलवार को राबड़ी आवास में राजद विधानमंडल दल की बैठक में राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने मीडिया से बात की, जहां पत्रकारों से एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जनता ने तेजस्वी यादव को अपना नेता मान लिया है। अगले 30 सालों तक तेजस्वी बिहार की बागडोर संभालने के लिए तैयार है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है सोनू कुमारी, विवेकानंद सिंह, कार्तिक राज, महेश कुमार यादव, सोनाली सिंह, विपिन बिहारी, जितेंद्र ठाकुर, अर्पण कुमार, सोनी कुमारी, सुजीत कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार भारत में मोदी सरकार के बाद किस पार्टी के सरकार बनाने की सबसे ज्यादा उम्मीद है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।